रेस्क्यू 1122 में करोड़ों रुपए के मुबैना घपलों का इंकशाफ है। नैब लाहौर ने डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने रेस्क्यू 1122 के 3 अफसरान को भी आज तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद अफसलात जानेंगे मोहम्मद हसन रजा से। जी मोहम्मद हसन रजा, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 के हवाले से नैब ने जो है डीजी रेस्क्यू 1122 को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अहमद मेडिक समेत तमाम अहम रिकॉर्ड जो है वो फौरी तौर पर उनको फराहम किया जाए और उनके 3 अफसरान को जो है आज तलब किया गया है। उनको ये कहा गया है कि वो ऐसे अफसरान को भिजवाया जाए जिनके पास मुकम्मल मालूमात हो और जो है वो सरकारी अफसरान से मुतलिक तमाम मालूमात फराहम कर सके और ठेके जो दिए गए हैं उसके हवाले से मामला जो है वो आगाह कर सके। ये लाहौर न्यूज ने मामला उठाया था कि किस तरह महंगे दामों जो है अशिया की खरीदो फरोख की जाती रही, मनसंद अफराद को ठेके दिए जाते रहे और जो है यहाँ पे नवाजा जाता रहा मनसंद अफराद को, मैड के बरस जो है वो कुछ अफराद को जो है वो ठेके दिए जाते रहे और खासतौर पर अहमद मेडिक जो के डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर के जो है एक रिश्तेदार की है जिनको जो है खुसूसी तौर पर नवाजा जाता रहा, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अस्कूल नोटिस लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और अब जो है नैब भी एक्शन में आ गई है। नैब ने भी तमाम अहम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है और इसके बाद जो है मुमकिन है कि डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर को भी तलब किया जाए क्योंकि इनके दौर में बड़े पैमाने पर जो है वो अरबों रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि आग बुझाने के आलात और दीगर जो मशीनरी खरीदारी की गई है उस तली जो है कई अहम रिकॉर्ड से मुतलिक जो है वो बताया जाता है जो महंगे दामों खरीदी गई है, जिसकी वजह से नैब ने अब जो है इनके खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया है, उनको इनकी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। ठीक है, नैब ने अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया और तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा आपका।